ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से चल रहे वैश्विक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सिरोही पहुंचे, जहां मंच पर उनका ब्रह्म कुमारी संस्था सदस्यों की ओर से परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने ब्रह्म कुमारी संस्था के सेवा समर्पण के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए अध्यात्म को जीवन का सही मार्ग बताया। उन्होंने गांधी जयंती का जिक्र करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने विश्व शांति दूत के रूप में दुनिया में भाईचारे को बढ़ावा दिया। इस अवसर पर संस्था की प्रशासिका दादी जानकी, सांसद देवजी पटेल, विधायक समाराम करासिया और जगसीराम कोली भी मौजूद रहे। समय समय पर हमारे देश में आध्यात्म की धारा बहती है और ये आध्यात्म की धारा केवल इस देश में नहीं पूरे विश्व में मार्गदर्शन का काम कर रही है। और इसीलिए आज जब भौतिकवाद की पराकाष्ठा भोग रहे हैं, उस समय शांति की तलाश में लोग कहीं आते हैं तो भारत में आते हैं और भारत में उनको आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से उस भौतिक सुख से ज़्यादा शांति का सुख इस आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से भारत में मिलता है। मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सालों तक इसी तरीके का आध्यात्मिक आप अलग जगा रहे हैं। विश्व के 140 देशों के अंदर आप इसी तरीके से शांति, समृद्धि, भाईचारा का संदेश देकर नौजवानों को आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से शांति की राह पर चलाने का एक बहुत बड़ा काम पूरे विश्व में कर रहे हैं। आपके 8000 से ज़्यादा सेंटर इस काम में लगे हुए हैं। लाखों भाई बहन अपना परिवार त्याग कर इस सेवा समर्पण और आध्यात्मिक की अलग जगाने के लिए तप और तपस्या का काम कर रहे हैं। मुझे विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि मूल रूप से हम देखें तो जीवन के अंदर आध्यात्मिक ही सही दिशा की ओर ले जा सकता है। हमारे मन, हमारे शरीर, हमारी भावनाओं को ऊर्जा परिपूर्ण करने का एक निश्चित स्तर तक ले जाने का काम आध्यात्मिक के माध्यम से ही हो सकता है। और आज जब परम पूज्य महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं, जिन्होंने इस देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर आध्यात्मिक के रूप में एक शांति दूत के रूप में पूरे विश्व में शांति और भाईचारा का एक लंबा समय तक संदेश दिया है।